घबराइए मत, बोले अल्लाह को याद ना कर, जय सिया राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे। और मेरी इतनी लंबी ढाई सी सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने बदमाशों ने। घबराइए मत। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीमख्तर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक मुस्लिम बुजुर्ग को जो कि मस्जिद जा रहे थे, उस दौरान उन्हें भगवा आतंकियों द्वारा, ऐसे लोगों को आतंकवादी ही कहा जा सकता है जो अपने से बड़े उम्र के लोगों का मान सम्मान नहीं कर सकते, और किस तरीके की छवि देश में मौजूदा राजनीतिक पार्टी ने बनाई है कि अब बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो दूर उनके साथ मारपीट की जा रही है, बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। और जब जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए जा रहे तो उनकी दाढ़ी को काटा जा रहा है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हम लोगों के सामने आया है। पहले गाजियाबाद से आ रहे इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो ये क्या नाम है आपका? योगी अब्दुल समद। तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया बैठे पे, मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठाल के दो आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए। बैठे जाना था मुझको, वो आगे आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूँ ढक दिया मेरे यूँ, और एक इधर से पकड़ लिया एक इधर से पकड़ लिया और मुझे मारने लगे और बहुत दूर जंगल में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया मुझे। और कमरे में बंद करके खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, सिया जय सिया राम जय सिया राम, और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद पर मार लगा गए। और मैं इतनी मार लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिया और मेरे मतलब एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया एक इधर से हाथ पकड़ ले, और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी कि आज तुझे नहीं छोड़ में, हमने बहुत आदमी और मुसलमानों को मारा है और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। और मुझे मतलब 3 बजे से मारते 7 बजा लिए, और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता है, मगर चिल्ला गया तो जब भी मार लगा गए, चुप हो। और मैं अल्लाह कह गया तो कह गए कि तू मंत्र पढ़ रहा है हमारे पर, मंत्र पढ़ रहा है, मैं मंत्र ना पढ़ रहा, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। बोले अल्लाह को याद ना कर, जय सिया राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे। और मेरी इतनी लंबी ढाई सी सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने बदमाशों ने, और 5 आदमी थे और उन्होंने अंटरों से मार लगाई और मतलब लठ मारे, मैं रो गया चिल गया। तो मुझे मतलब ये बहुत मारा, इतना मारा कि मैं चले। घबराइए मत, घबराओ मत। आपने देखा कि किस तरीके से ये भगवा आतंकी जो हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ सनक सवार है कि मुसलमानों को मारना है, मुसलमान जो हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और मुसलमानों को जब तक सबक सिखाएंगे नहीं तब तक इस देश में जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से उसी जगह से तस्वीर सामने आई है जहां पर नरसिंहानंद जैसे शैतान मौजूद हैं, और वो शैतान जिस तरीके की पाठशाला चला रहे हैं, उसी पाठशाला की शाखा के निकले हुए ये आतंकी जो हैं किसी मुस्लिम बुजुर्ग को निशाना बना रहे हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं, और फिर अंत में आपके सामने उन मुस्लिम बुजुर्ग की बयान को सामने रखूंगा जिनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हिंदुओं के एक समूह ने हमला किया जब वे एक मस्जिद जा रहा था। 5 जून की घटना का खुलासा सोमवार को हुआ। अब्दुल समद सैफी के रूप में पहचाने जाने वाले वृद्ध व्यक्ति का कथित तौर पर एक ऑटो रिक्शा से अपहरण कर लिया गया था और उसे पास के एक जंगल में एक झोपड़ी में खींच लिया गया था, जहां समूह ने कथित तौर पर जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए और उन्हें लकड़ी के डंडों से पीटा गया। उन्होंने कथित तौर पर समद पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगाया। कई हमलावरों में से एक सफेद पूरी बाजू की टी शर्ट और नीले रंग की स्वेट पैंट पहने एक युवक ने समद को चाकू से धमकी दी कि वह उसकी दाढ़ी को जबरन काट देगा। इस विभत्स घटना का वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किया गया। वीडियो में कम से कम 2 अन्य युवकों को समद पर हमला करते हुए देखा गया। एक काली शर्ट और लाल पतलून पहने हुए और दूसरा हल्के नीले रंग की टी शर्ट और ग्रे पतलून में है। मैं अपने रास्ते में था जब मुझे लिफ्ट की पेशकश की गई, फिर 2 आदमी अंदर आए ऑटो रिक्शा में और मुझे रुकने के लिए कहा गया। फिर वे मुझे एक कमरे में ले गए और मुझे बंद कर दिया। मेरी पिटाई करने लगे। उन्होंने मुझे नारे लगाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। उन्होंने चाकू लिया और मेरी दाढ़ी काट दी। एक नेत्रहीन समद जो आंसू में कम हो गया था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक अन्य मुसलमानों पर हमला करने का एक वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा उनके हमलावरों ने दावा किया था कि उन्होंने पहले भी कई मुसलमानों को मार डाला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी प्रवेश गुज्जर को गिरफ्तार भी कर लिया है। वे अभी भी दूसरों की तलाश कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतुल कुमार सोनकर ने कहा कि आवश्यक कदम उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है और सबको साथ लेकर के चले हैं, तो उनकी साख पर बट्टा लगाने के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार नफरत को बढ़ावा दे करके किसी मुस्लिम बुजुर्ग को निशाना बना रहे हैं। मैं ऐसी ही उत्तर प्रदेश से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।